दिनेश जोशी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस हफ्ते मैं आपके लिए लाया हूं दो फंडामेंटल स्टॉक्स। तो पहला है एलकार्गो लॉजिस्टिक और दूसरा है ईआईएस लिमिटेड। तो बात करें एलकार्गो लॉजिस्टिक की, तो एक एलकार्गो लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन कंपनी है। एलकार्गो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को आने वाले वर्षों में डोमेस्टिक कंजम्पशन और इकोनॉमी में ग्रोथ से कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी में इजाफा होने की उम्मीद है। इसी के सहारे कंपनी ने 2020 तक आमदनी के 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई है और अगले 3 से 5 वर्षों में 700 से 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अपनी वेयर हाउसिंग स्पेस को 30 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1 करोड़ स्क्वायर फीट तक करने की योजना ही बनाई है। रिसेंटली लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी मिला है, तो जिससे कंपनी को भी काफी फायदा हो सकता है और इनको जो बोरोइंग है लो इंटरेस्ट कॉस्ट पे मिल सकती है। इस समय भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर का अधिकतर कार्य अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, मगर जीएसटी से इस क्षेत्र की कंपनियों को ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में स्थिति में मजबूत होगी। जीएसटी से इस क्षेत्र में विकास में काफी लाभदायक होगा, जिससे एलकार्गो को भी फायदा होने की उम्मीद है और अपने बिजनेस में अपनी लीडरशिप और भी मजबूत कर पाएगी। भारत में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ यह एक नए बाजारों में अपने भी पैर जमाने पर ध्यान देगी। तो मुझे लगता है आने वाले 8 से 10 महीने में यह कंपनी 251 रुपए का लक्ष्य तय कर पाएगी। तो दूसरी कंपनी है ईआईएस लिमिटेड। यह कंपनी एक हॉस्पिटलिटी से लिंक रखती है और यह कंपनी का जो ऑपरेट करती है लग्जरी होटल में अपने ब्रांड नेम है जो कि ओबराय है और दूसरा जो कि 5-स्टार होटल जो इनके ब्रांड आता है ट्राइडेंट के अंडर में। ओबराय होटल इस उद्योग में प्रमुख होटलों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कई भारत में पर्यटन मंत्रालय द्वारा उच्चतम 5-स्टार रेटिंग भी दी गई है, तो जो कि काफी अच्छे से देखा जाता है जिनको 5-स्टार रेटिंग दी जाती है। अगर बात करूं इनके डेवलपमेंट फ्रंट की, तो हैदराबाद में द ओबराय होटल और बेंगलुरु देहरादून और हैदराबाद में ट्राइडेंट होटल के विकास का कार्य जारी है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी अपना एक्सपेंशन की बात कर रही है, तो दुबई में, अबू धाबी में, ग्रीस में, ओमान, मॉरिशस और मोरक्को जैसे लग्जरी में भी अपना आगे अपने होटल्स का निर्माण भी कर पाएगी। इसके अलावा 2019 के अंतिम क्वार्टर में गुजरात में कंपनी अपना लग्जरी जंगल रिजॉर्ट्स खोलेगी, जिसमें 22 लग्जरी टेंट्स भी होंगे। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों के साथ तो मुझे लगता है आने वाले 8 से 10 महीने में कंपनी का 810 रुपए का टारगेट देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच।